जाएगी ना तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लोग शादी बना तो राज इतना बुरा लग रहा है ना। एक बार पूरे 3 मंत्र दे दोस्तों ने कहा तो एक बार कम बैक तो आप अपने ब्लॉग तो गाइस कैसे हैं सुबह करता हूं कि आप सब खुश होंगे स्वस्थ होगा तो मैं भी एकदम खुश हूँ। और भी सुबह के देखो साढ़े 9 हो चुके हैं और मन था ना फसल तरीके से रेडी हो गया हूँ और जो आप ले लिया अपने जब करनी है लड्डू वगैरह लिया है ये देखिए गाइस शायद लड्डू भाई ना तो बैठा है और यहाँ पे पूजा कर रही है देखो है ना। और अब मैं जाना था आग लेने के लिए मैं वो शुरू करना है ना तो आग लेके आता हूँ मंदिर और चलना तो कल दे दी और मार्केट में गए थे लोग तक और वहाँ से सामान ले गया है तो बुआ जो सुन जाने उठा रही है तो उन्हें इतना मन लग गया मेरा बुआ के साथ बहुत ज़्यादा वो जब जाएगी ना तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मैं तो मम्मा भी चला जाऊंगा दोस्तों मजा आएगा मम्मा के मन जी लग जाता है मेरा मजा आ जाता है वहाँ पे तो मेरा मन बहुत अच्छा फ्रेंडली हो जाता है मेरे साथ गौतम का क्योंकि हम ब्राह्मण है ना दोस्तों तो गौतम वाले ब्राह्मण है हम रोजी का। और देखो इतना मस्त सलाह है इन्हें सब कुछ लिखा हुआ है नेम बर्थ एड्रेस ब्लड ग्रुप कैसे लिख रहे भाई लोहे के पे ये चीज चलते हैं आम लाने के लिए क्योंकि मैं सबसे पहले आम लाता था मैं उसे बनाता था सबसे पहले उठते ही तो वो जो आंटी मुझे उनकी सब्जी वाली वो ना लोग वैसे पहले नहीं आते तो अभी चलता हूँ लेके आता हूँ क्योंकि अब तो सामान लेके आ गई अभी उड़े लेके दाल सब्जी लेके आती है। और देखो दोस्तों आम ले आया था और यहाँ पे काट भी लिए आम है ना देखो और आप अच्छे कह रहे तो अभी मैं आया था मैंगो शेक और दोस्तों अभी खाना बड़ा अच्छे तरीके से खा लिया है और आज मम्मी जी ने जो सब्जी बनाई थी ना ये भिंडी की इतनी ज्यादा टेस्टी बनी है इतनी ज्यादा टेस्टी बनी है मैं कितनी रोटी खा गया अच्छा मैं कम से कम भी बहुत सारी खा गया दोस्तों मैं बहुत सारी सब्जी खा गया और बहुत सारी रोटी खा गया बहुत अच्छी सब्जी थी थक गया बिल्कुल अच्छे तरीके से आसो मजा आ गया। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और अभी जा सकता काला इट लेने के लिए तो काला इट ला रहा था दोस्तों बिल्कुल खत्म हो चुका है काला इट और मक्खी मक्खी के ज्यादा हो रखे हैं तो अभी वही लेके आ रहा हूँ अगर शाम हो रखी है और आजकल थोड़ा मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद हो रखा है क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है दोस्तों निकलने का बार मन ही नहीं करता मेरा तो अभी शाम के टाइम हो रखा है दोस्तों 7:30 क्या बोला तूने 7:10 हो रही है और टाइम देखो वो अब देखो अभी थोड़ा बहुत सा वहाँ पे तो रोशनी इतनी गर्मी रहती है ना 6:30 तक काम रहता है। तो अभी देखो ये काला इट लेके घर पे आ गया था देखो और अभी मैं बना था पानी और यहाँ पे मैकरोनी बनाई थी मेरी दीदी ने बिल्कुल मेरी मेरी क्या पूरे सबकी बनाई थी घर वालों की मेरे खाने का मन नहीं कर रहा इतनी गर्मी पड़ रही है नींबू पानी बना रहा हूँ दोस्तों अभी खाना पीना अच्छे तरीके से खा लिया है और अभी चल रहे हैं सोने के लिए तो सुबह मिलते हैं दोस्तों आपसे तो बाय बाय टाटा गुड नाइट गाइस बाय बाय तू नहीं कह रहा सुबह फिर से मिलेंगे ना हम The next day. Hey guys, good morning. ये तो मैं टुडे शूट कर रहा हूँ और अभी सुबह हो चुकी है और अभी जाना है दुकान पे क्योंकि आलू लेके आने हैं दोस्तों और दूध लेके आना है और हरी मिर्च और धनिया लेके आना है आलू की सब्जी बनाएगी और शाम को बनाएगी आलू के पराठे दोस्तों तो हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट है दोस्तों मम्मी बनाएगी और अभी दूध का बनाएंगे हम मैंगो शेक आम रखे हैं मम्मी जी आम तो है और मैंगो शेक बना रही हूँ तो चल जाए दोस्तों अभी लाइट और अभी टाइम 9 बज चुके हैं और तेरे को 9 बज गए गाइस पता भी नहीं चला। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और दोस्तों आज थोड़ा ना आपको कम व्लॉग दिखा होगा मतलब कम था क्या मैं नेट का व्लॉग देगा भी इसी में छोड़ दूंगा क्योंकि आज थोड़ी तबीयत खराब थी दोस्तों तो ज्यादा व्लॉग सा नहीं बना तो अभी देखो शाम का खाना आ चुका है आलू के परांठे और यहाँ पे ये ना सुबह के झगड़ा कर रही है झगड़ा तो नहीं मतलब ऐसे मस्ती कर रही है देखो अभी भी सुबह के मस्ती कर रही है इनको और मैं अकेला बैठा हूँ दोस्तों ये दुख का ही खत्म नहीं होता अभी क्योंकि मेरे साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है तो अभी खाना खा लेते हैं दोस्तों परांठे बनाए आलू के मम्मी टेस्टी टेस्टी बिल्कुल मस्त मस्त से और देखो ये बना रखे हूँ
मेरे पिट्ठे और बिल्कुल थक गया दोस्तों। पेट देखो ना ज्यादा बाहर निकल गया मेरा, क्या करूं मैं, मोटा हो गया बहुत ज्यादा दोस्तों। तो अभी आप सबसे टेस्टी पराठे कोई नहीं बना सकता मैं बेटा, सब बनाऊंगा ना, मैंने तो ज्यादा अच्छे लग गए कुछ, सब अच्छे लगे बेटा। तो अभी भी ये थोड़ा अजीब सा ही मन हो रखा मेरा तो। गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया हूँ और अभी उठ गया था, सुबह हो गई है, मुझसे नींद आ रही थी लेकिन जब भी उठा गया एकदम से देखा कि बुआ और जा रही है, सारी नींद खुल गई मेरी। बुआ जी आ जाओ, रुक जाओ, संडे तक रुक जाओ, ना वो ये गलत बात है आपकी, नहीं जल्दी जाओ आप, संडे तक रुक जाओ बुआ जी, संडे तक रुक जाओ। और दोस्तों देखो अभी सभी के लिए ना मैंने शेक बना दिया और देख भी दिया, और आज इतना बुरा लग रहा है ना, और लड्डू बना लिया, दूध लगा दी गणेश को, गणेश लगा दिया और मंदिर में भी होया, तो सुबह लड्डू ला रहा है, चेत ने हाँ बिल्कुल मन नहीं आता, मैं बुआ कह रहा हूँ बुआ संडे तक रुक जाओ, ज्यादा दिन रुकूंगी, हफ्ता ज्यादा लग रहा है। और दोस्तों अभी बुआ घर पे जा चुकी है और अभी इतना खराब मूड हो गया ना, क्योंकि घर से पीछे सुना सुना सा हो गया, पता नहीं मेरा क्या मेरे अंदर, अगर कोई घर में आ जाता है ना तो ऐसा मन लग जाता हो जाता है ना, तो अजीब सा ऐसा हो जाता कि अकेले पड़ गया रोज मैं, तो अभी ना मूड खराब हो गया। तो मम्मी मैं बोला मुझे मामा घर भेजो, मुझे नहीं पता, तो मम्मी बोली कि कल कह दो मेरे पापा को, तो देखते हैं कल शायद मामा घर पर जा सकता हूँ दोस्तों। अभी मन सो नहीं करा, घर सुना सुना सा हो गया सभी के लिए, पहले पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था लेकिन अब फिर से सुना सुना सा हो गया, बिल्कुल ऐसा कर रहा कि खेलना पड़ गया बिल्कुल, मैं रो लू बैठ के। और दोस्तों अभी मैं जा रहा था दुकान पे, क्योंकि फिल्म का भी बोतल लेके आनी है, बहुत सारी है, चार पाँच लेके आऊँगा छोटी छोटी सी वाली वो, क्योंकि दोस्तों कभी कभी मन करता है, मन तो नहीं बैठा लूँगा पीने का लेकिन ना उसमें पीना पड़ता है गर्मियों में, गर्मी से जाती है ना, और वो डायरेक्ट अच्छी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो बचा लेती है कभी कभी, हर बारी बचा लेती है, तो अभी ज़्यादा था नहीं लगे, तो रानी बाहर है क्योंकि मुझे उसकी शक्ल दिख गई कहीं से, इतनी बड़ी लंबी वीडियो बना ली और वीडियो का कैमरा ढूंढ रहा है दोस्तों, चल जा। और दोस्तों अभी सभी कलर वॉल्यूम का लेके आ गया हूँ, लाल हो गया, क्या देख रही रानी, तो विलियम का पिएगी, और सुबह सुबह मैं कुछ बनाता हूँ ना दोस्तों, तो एक कटोरी में इसका करके डाल देता हूँ, उसको भी थोड़ी शांति सी मिल जाती होगी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है तो बेचारी इसको भी कुछ तो बनता है बेचारी का, तो चाबी टांग देता हूँ तो सभी को देता हूँ, ये है एक दोस्तों भी हमको एक ऐसा नजारा देखा, एक बापू के तीन बंदर दिख गए हमको आज, इकट्ठे बैठे थे ये भी इकट्ठे जो है, एक बापू के तीन बंदर है दोस्तों, देखो 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 ये नजारा, एक बापू के तीन बंदर है। और अभी देखो रूबी की ना एक और एक बंदर की लड़ाई मच गई थी, एक बंदर ने ना रूबी के मुंह पर थप्पड़ मारे खेच के, फिर रानी और रूबी ने इसने ही मारा था, देखो इसने मारा, अजीब काट रहे मम्मी, रोटी निकाल रखा है,
देखो ये बंदर ना हो गई नानू यहाँ प्यार करो और रूबी और रानी दोनों चपट गए इसका। रूबी और रानी दोनों चपट गए इसका और रूबी का थप्पड़ मारा पर रूबी ने उसका दांत मार दिया। वीडियो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स मच फॉर वॉचिंग, बाय।